वहीं राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हर मंच से वही जुमले बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार ने उनको समझाया है। अब तक तो ये लग रहा था कि बीजेपी उनकी बातों को हल्के में ले रही है, हवा में उड़ा रही है। लग रहा जैसे मोदी ने राहुल की कास्ट फैक्टर वाले दांव का काउंटर करने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की है। अब जैसे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी पारा हाई हो रहा है, मोदी और शाह की स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे डिस्क्लोज हो रही है। बीजेपी अंदर ही अंदर कास्ट मैनेजमेंट पर गुपचुप तरीके से काम कर रही है। हर राज्य की जातियों का पूरा डेटा एनालिसिस हो चुका है, किस जाति के किस नेता को किसी भी तरह से बीजेपी में लाना है, किस नेता के साथ क्या तालमेल बनाना है, किसको क्या ऑफर देना है, किसके पास कितने वोट हैं, हर सीट की रिपोर्ट आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रीय चेहरों की ताबड़तोड़ एंट्री भी हो रही है। कौन नेता अपने साथ क्या लेकर आया, अगर चुनाव जाति के मुद्दे पर हुआ तो बीजेपी कहां खड़ी है, इस रिपोर्ट को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी ने तैयार किया राजस्थान जीतने का प्लान। जातियों को जोड़कर राजस्थान का रण जीतने की तैयारी। नेताओं की नाराजगी पर जातीय समीकरण पड़ेगा भारी। राजस्थान बीजेपी में जमकर गुटबाजी दिख रही है, नेता अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे पूरी सियासी पिक्चर से ही बाहर हैं और जिन सांसदों को टिकट मिला है वो अपने ही इलाके में सीमित हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी को जीत मिलेगी कैसे, पार्टी किस तरह कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके भरोसे वो राजस्थान जीतने का दावा कर रही है। दरअसल राजस्थान में जिस पार्टी ने जातियों को साध लिया, चुनाव में जीत भी उसी की होती है और इस मामले में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कहीं आगे नजर आ रही है। आज मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और मारवाड़ के दिग्गज और राजपूत समाज के बड़े नेता लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों के शामिल होने का फायदा पार्टी को मेवाड़ और मारवाड़ इलाके में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है और एक टीम्स के और टीम प्लेयर होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी एज ए टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा और एज ए टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रगति को कायम रखने के लिए एक काबिल और दूरदृष्टित नेतृत्व का साथ नागरिकों को भी देना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रगति की ओर हाथ भी बटाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा और भलाई के लिए सोचा है और मैं आज एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम सब साथ मिलकर सही रास्ते पे प्रगति की ओर बढ़ते रहें। इन दोनों के शामिल होने से राजपूत समाज बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। राजस्थान में राजपूत समाज की आबादी करीब 8% है, ये 50 से 60 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। इसके अलावा राजस्थान की 120 अलग अलग सीटों पर राजपूत समुदाय के लोग चुनाव जीत चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद से मेवाड़ रीजन में बीजेपी को बड़े चेहरे की तलाश थी। पहले इसे भरने के लिए बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। पूरे मेवाड़ इलाके में राजघराने का सम्मान है। सूत्रों की माने तो विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी उदयपुर शहर से चुनाव लड़ा सकती है, ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से गुलाबचंद कटारिया लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते थे। बीजेपी 2018 का चुनाव भले ही हार गई लेकिन मेवाड़ इलाके में पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी। 2008 में इस इलाके में कांग्रेस को 19 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, सरकार कांग्रेस ने बनाई। 2013 में मेवाड़ की 28 सीटों में से बीजेपी को 25 जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि 2018 में बीजेपी 15 सीटें जीतने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई थी।
वहीं मारवाड़ के नागौर जिले में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों में अच्छी नहीं रही थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने यहां दो प्रमुख जातियों को अपने साथ करने की कोशिश की है। पहली ज्योति मिर्धा को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने जाट समुदाय और कांग्रेस के बड़े परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई। अब भवानी सिंह कालवी को बीजेपी में लाकर मारवाड़ के राजपूत समाज को भी अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की गई है। मारवाड़ रीजन सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ विधानसभा की 61 सीटें और कुल 10 जिले आते हैं। सीएम अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता इसी क्षेत्र से हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ दिया था। अब बीजेपी यहाँ अपने सामाजिक और जातीय समीकरण को सुधारने में लगी है और यही वजह है कि उन नेताओं को जोड़ा जा रहा है जिनका अपनी अपनी जातियों पर खासा जनाधार है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव से ऐसी तस्वीर बनी है जिसकी वजह से जातियों को साधना हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की भले ही 200 सीटें हों, लेकिन असली मुकाबला 119 सीटों पर ही होता है। बाकी की 81 सीटों में 60 सीट ऐसी हैं जिसे बीजेपी लगातार 2 से 5 बार तक जीत चुकी है। पाली सीट पर बीजेपी को 5 बार जीत मिली है, जबकि 13 सीटों पर पार्टी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है। 13 सीटों पर 3 बार पार्टी का परचम लहराया है। इनके अलावा 33 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 21 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही है। इसमें सरदारपुरा की भी सीट शामिल है जहां से सीएम गहलोत पिछले 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। राजस्थान में 4 जातियां ऐसी हैं जिनका असर प्रदेश की सभी 200 सीटों पर दिखता है। राजपूत वोटरों को साधने के बाद बीजेपी की नजर उन जातियों पर है जो आने वाले चुनाव में गेम चेंजर हो सकती हैं। उनमें पहले पायदान पर हैं जाट। इस समाज के दबदबे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हर चुनाव में कम से कम 10 से 15 विधायक जाट ही होते हैं। शेखावटी इलाका जाट बहुल माना जाता है। जाट वोटर 50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर और भरतपुर वो इलाके हैं जहां पर जाटों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। मीणा समाज के 7% वोटर हैं। मीणा को कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। मीणा समाज के लोग करीब 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। मीणा बहुल जिलों की बात करें तो इसमें अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, कोटा, बारा, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आते हैं। वहीं राजस्थान में गुर्जर वोटर 5% हैं। वैसे तो इन्हें बीजेपी समर्थक माना जाता था, लेकिन पिछली बार सचिन पायलट के नाम पर गुर्जरों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए थे। गुर्जर समाज 30 से 40 सीटों पर जीत हार तय करता है। गुर्जरों का असर करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू और अजमेर में है। पिछले चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 39 में से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, यानी सिर्फ इसी इलाके में जीत के दम पर अशोक गहलोत ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार यहां मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। 2018 विधानसभा चुनाव में गुर्जर वोटर्स में भारी जोश था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाएगी। यही वजह है कि गुर्जर बहुल इलाकों में जमकर मतदान हुआ था। कांग्रेस के 11 में से 8 गुर्जर प्रत्याशी चुनाव जीत गए, जबकि बीजेपी के सभी 7 गुर्जर उम्मीदवार हार गए। बीजेपी ने जातियों को ध्यान में रखकर ऐसा कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया है, ऐसे कास्ट लीडर्स को मैदान में उतारा है जिसकी काट कांग्रेस के पास भी नहीं है। राजपूत वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने दिया कुमारी को आगे किया है। कई राजपूत नेता पार्टी में शामिल कराए गए तो राजेंद्र राठौड़ को पार्टी ने 8 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी राजपूत समाज को अपनी तरफ लाने की जिम्मेदारी है। ब्राह्मण वोटों को बीजेपी में लाने की कमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास है। ब्राह्मण महापंचायत में जोशी को महत्व मिलने के बाद पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला किया।
अब पार्टी उदयपुर के बाहर भी सीपी जोशी के प्रभाव को बढ़ाने की तैयारी में है। जाट वोटों के लिए पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के भरोसे है। पुनिया पहली बार के विधायक हैं, फिर भी उन्हें पार्टी ने उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। गुर्जर और एमबीसी समाज को पार्टी में लाने के लिए विजय बैंसला को आगे किया गया है। राजस्थान की 75 सीटों पर गुर्जर और एमबीसी समाज का दबदबा है। भीलवाड़ा में पीएम के कार्यक्रम में विजय ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं सैनी वोटर्स पर भूपेंद्र सैनी फोकस करेंगे। पिछले चुनाव में इन्होंने 42 सीटों पर प्रचार किया, जिसका पार्टी को फायदा मिला था। मुस्लिम वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री यूनिस खान और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सादिक खान को दी गई है। कई धरने और आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। मीणा वोटर्स के लिए बीजेपी केवल और केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सहारे है। उधर अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ यादव वोटरों को बीजेपी के पाले में लाएंगे। इस बार बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जातियों को जोड़ रही है, तो कांग्रेस जातियों को तोड़कर सनातन का अपमान करने में जुटी है। जातिगत सर्वे की जहां तक बात है तो 2011 में भी तो देश का सर्वे हुआ था, लेकिन उसके अंदर जातिगत जनगणना इन्होंने पब्लिक के पास पहुंचाई नहीं। क्या कारण था, उस समय क्यों नहीं पहुंचाई? और अगर मैं और पीछे जाऊं तो इनकी यही कह सकता हूं कि इनकी दादी ने भी यही कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और ये किस जाति का भला करने की सोच रहे हैं? इन्होंने आज तक तो जो इनका वोट बैंक माना जाता है उनके लिए तो कोई काम नहीं करा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी आज जिस तरह से हम याद कर रहे हैं, उनकी लेगेसी को आज जिस तरह से हमने जिंदा करा है, जिस तरह से हम उनको सम्मान दे रहे हैं, कांग्रेस जो इनको वोट बैंक मानती है उन्होंने आज तक नहीं करा। उन्होंने तो इनको हरवाया चुनाव के अंदर, अगर आपको याद हो। बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो हर तरह से ये लोगों को झूठ बोलना, लोग जनता को लूटना, ये इनका इनकी नीति रही है। कांग्रेस देश में हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है, तो राजस्थान में बीजेपी जातियों को जोड़कर अपने चुनावी अभियान को धार दे रही है। उधर दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी भी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने में जुटे हैं, क्योंकि यूपी में मिशन 80 तभी पूरा होगा जब सभी वर्गों का साथ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की नजर दलित वोटर्स पर है, जिन्हें मायावती का समर्थक माना जाता है। 2024 चुनाव में दलित का समर्थन हासिल करने के लिए पार्टी दलित सम्मेलन कर रही है। हापुड़ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और दलितों को संदेश दिया। याद करिए, जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।